आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन सीरीज आपको अरेंज करने फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मासेस, राइट, सॉरी मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मुझे अरेंज करना है। सो आपसे सबसे पहले पूछा गया है कि हमारे पास अगर 0.4 का, सो इसका कितना मास आपके पास प्रेजेंट होगा इन इट्स 0.1 मोल पॉइंट। सो होता क्या है कि अगर मैं बात करती हूँ एक मोल ऑफ H2SO4 की बात करती हूँ, सो एक मोल ऑफ H2SO4 में हमारे पास कितना H2SO4 का मास होता है, ये होता है आपके पास 98 ग्राम, राइट, क्योंकि H2SO4 का मोलर मास जो होता है ये होता है आपके पास 98 ग्राम पर मोल, राइट। सो इसका मतलब हो गया कि एक मोल में आपके पास 98 ग्राम होगा, फाइन। सो अगर मैं इसका 0.1 मोल ले लेती हूँ आपके H2SO4 का, सो उसमें आपके पास कितना हो जाएगा, इट विल बी योर 9.8 ग्राम, राइट। सो यहाँ पर हो गया इसके केस में 9.8 ग्राम होगा। सेकेंड क्या है, मेरे पास 10^23 एटम्स ऑफ कार्बन, राइट। सो अगेन देखो आपको समझना होगा, अगर मेरे पास क्या है एक मोल अगर मैं लेती हूँ कार्बन का, राइट, सो उसमें मेरे पास क्या होता है 12 ग्राम होता है, राइट, क्लियर। और ये भी देखा जाता है कि एक मोल में 12 ग्राम होता है हमारे पास मास, और एक मोल में मेरे पास जो एटम्स होते हैं वो एवोगैड्रो नंबर्स होते हैं, फाइन। सो कहने का मतलब है 6.22 × 10^23 एटम्स का जो मास होगा वो आपका 12 होगा। सो 10^23 एटम्स का मास क्या हो जाएगा, इट विल बी 10 × 10^23, राइट, और डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 6.022 × 10^23, क्लियर। सो ये आपका निकल कर आएगा 1.993 ग्राम, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट मेरा सिंपल है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, राइट, एक मोल मेरे पास क्या है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के हैं। सो ये तो सिंपल है आपके पास, जो हमारे पास अगेन मैं बोलती हूँ, अगर मैं 1 मोल ऑक्सीजन ले रही हूँ, सो 1 मोल ऑक्सीजन का मास क्या होता है 32 ग्राम, और एक मोल ऑक्सीजन में मेरे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब इन शॉर्ट 10^6.022 × 10^23 एटम्स का मास क्या है 32 ग्राम है, मतलब एक मोल एटम्स का मास एक तरीके से 32 ग्राम है। सो इसमें सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे ज्यादा, सॉरी सबसे कम आपका कौन है, सेकेंड का केस, राइट, सो ऑर्डर हो जाएगा सेकेंड का सबसे कम, फिर आपका होगा फर्स्ट, और सबसे लीस्ट, सबसे ज्यादा सॉरी किसका है, थर्ड का, हाँ। सो ये आपका आंसर होगा, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।